आज़ादी 5 अगस्त को जिसके तहत इमरान खान को अरेस्ट किया गया और उसी के तहत उसी बंदे की सज़ा के तहत जल्दी से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया। अब ये नाअहली की जो दरख्वास्त थी फिर हमारे लॉयर्स हाई कोर्ट में लेकर गए। जब हाई कोर्ट में लेके गए तो वो इतना मजाक था जो इस दिलावर ने किया था, जिसको जज भी नहीं कहना चाहिए, कि उन्होंने उनकी जो सज़ा थी वो जज आमिर फारूक ने सस्पेंड कर दी। वो सस्पेंड कर दी लेकिन कन्विक्शन नहीं सस्पेंड किया, उनकी जजमेंट नहीं सस्पेंड हुई। अब ये किस किस्म का मजाक है, ये आपके सामने है। फिर वो पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि अब चलें हमारे वहाँ के चीफ जस्टिस इंसाफ देंगे। अब वो पटिशन जो ये दोनों चीज़ों के खिलाफ है, जो दिलावर के खिलाफ है, वो पड़ी हुई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दफ्तर में। हम उन्हीं से अपील कर सकते हैं कि वो उनकी सुन लें उस अपील की, ताकि कन्विक्शन इमरान खान जेल में भी बैठे हुए हैं ताकि वो जेल से भी रहा हों, वो इलेक्शन में भी लड़ सकें। क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे चीफ जस्टिस तो जो इमरान खान की कन्विक्शन अगर वो ख़त्म नहीं की जाएगी तो वो इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी जो पटिशन इमरान खान जिसकी बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन राइट्स की। वो बारी बारी ये मीडिया को कह रहे हैं कि देखें CCTV फुटेज हर बिल्डिंग के ऊपर होती है। आपको पता है पाकिस्तान में सड़कों पे भी लगे हुए कैमरे, बिल्डिंगों के ऊपर भी लगे हुए। अब वो अगर चीफ जस्टिस पटिशन सुने, वो वाले कैमरे की फुटेज मंगवाएं जिनके पास भी है। खान साहब उनको सुना है कि कोर्ट में कहा गया कि वो सारी चोरी हो गई है। अब जिसके पास भी है, चोरी नहीं हुई, जिसके पास भी है, जिन्होंने भी ले लिया अपनी तहवील में, उनको मंगवाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत अच्छी चीज़ काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर उनकी सारी प्रोसीडिंग्स आती हैं। इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। सारे पाकिस्तान को ये फुटेज चलानी चाहिए, पूरा पाकिस्तान मदद करेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जिन्होंने ये काम किया है। हम सारे मदद करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस से ये भी अपील किया इमरान खान ने कि जो बेगुनाह लोग जेलों में भरे हुए हैं, जो 8 महीने से बगैर ट्रायल के जो लोग जेलों के अंदर हैं, अल्लाह के वास्ते उनको रिहा करें। ये इतना जुल्म हो रहा है। औरतें हैं, जवान बच्चे हैं, उनके कई लोग हैं जो जेलों में गरीब लोग हैं, उनके घरों में रोज़ी उनकी ख़त्म हो गई है, उनको वो बिल्कुल उनके बच्चे स्कूलों से निकाले गए हैं, उनके पास घर में खाने के लिए नहीं है, उनको तो रिहा कर देना चाहिए। तो एक ये वाली 2 अपील्स अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुन लें। माशाल्लाह उनके नाम के साथ काजी लगा हुआ है, उनके ऊपर उनके नाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नाम का ख्याल करें और ये पिटिशंस दोनों सुन लें। और बहुत लोग उनको दुआएं देंगे कि उन्होंने ये पिटिशन सुनी। PTV पे हम सारे पाकिस्तान को दिखाएं कि ये कैमरा फुटेज किधर गई है और कहाँ से कहाँ चली गई है। इमरान खान तो कहते हैं जिन्होंने उनके पास वो फुटेज है उन्होंने ये करवाया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर चीफ जस्टिस साहब इसकी तहकीकात करवाएं वो फुटेज भी आ जाएगी। दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब का मैसेज है। उन्होंने कहा उनके घर पे कल रेड किया गया। उन्होंने जज साहब के पास ये पेश किया कि हम आपकी वजह से आपने हमें कैद में रखा हुआ है, मैं यहाँ कैद में बैठा हूँ, तो पीछे मेरे घर के ऊपर रेड कैसे हो गई। उनके 8 मुलाजमीन उठा कर ले गए हैं। उन्होंने कहा वो बेगुनाह लोगों ने क्या किया था, उनका सिर्फ जुर्म यह है कि वो शाह महमूद कुरैशी के मुलाजिम हैं, तो वो भी ह्यूमन राइट्स के तहत आता है। और इमरान खान ये भी कह रहे थे कि अगर ये इलेक्शन कराने का तरीका है, उन्होंने कहा कोई फिक्र ना करें, हम जिस किस्म की हाथ भी बांध दें, मुंह भी बंद कर दें, दफ़ा 144 भी लगा दें, हमें घर से ना निकलने दें, उसके बावजूद जो आइनी तरीका है इलेक्शन का हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपना वोट डाल सके। वो ये कह रहे हैं सब निकलें और अपना वोट डालें, चाहे जितने मर्जी हाथ बांध दें, टांगे बांध दें, मुंह बंद कर दें, फिर भी वो लोग निकलेंगे इलेक्शन के लिए। लोगों से उन्होंने ये अपील किया और वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कैसे आप इजाज़त दे रहे हैं पहले कैंडिडेट्स को कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने निकलते हैं उनके घरों पे उनको उठा के, ये कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं? तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस ले रही इसका? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। उन्होंने कहा है कि इतवार के रोज़ उनके सब कैंडिडेट्स, उनका हक बनता है कि वो निकल कर अपने वोटर से अपना वोट मांगने के लिए रैलीज करें। मेहरबानी, थैंक यू।